गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विषय अध्यापिका संतरा खिचड़, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल से। कक्षा सात में अपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया, आज उसके बाद अपन पढ़ेंगे विशेषण। देखो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जैसे मैंने लिखा मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की विशेषता। और क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो अच्छा है। तो जब किसी की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे अपन विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, मोटा, पतला, एक, दो, कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इसका पता आप, तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। कैसे? जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा इसमें क्या है? विशेषण। तो किसके बारे में बताया गया है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हो जाएगा? विशेष्य। मोहन क्या हो जाएगा? विशेष्य। बस आपको परिभाषा चेंज, विशेष्य की परिभाषा के लिए सिर्फ पहले क्या लगा देना है? जिस लगा देना, आपकी परिभाषा अपने आप सही हो जाएगी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? तो देखो, जैसे मैंने लिखा लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, तो कैसा लाल, जो कैसा का जवाब आपको मिल गया वो विशेषण है। और कौन है कैसा? घोड़ा है, तो ये विशेष्य है। मोटा आदमी, कैसा आदमी? मोटा, तो मोटा क्या है? विशेषण है। और आदमी क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक उदाहरण है। अच्छा, बुरा, भला, बूढ़ा, जवान, ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति की अवस्था, स्थिति, दशा आदि का बोध कराते हैं। जैसे मोटा, पतला, बूढ़ा, जवान, ये सारे क्या हैं? विशेषण, गुणवाचक विशेषण, जो इसकी स्थिति का बोध कराएं। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जिसे अपन गिन सकते हैं। जैसे 5,000 रुपये, 7 भेड़, 8 आदमी, तो इनको अपन गिन सकते हैं। तो गिनने वाले किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। और इसमें निश्चित और अनिश्चित भी होता है। जैसे आप कहते हो 5 आदमी, तो ये क्या होगा? निश्चितवाचक निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और आप कहोगे कुछ आदमी, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जिनको गिन सकते हैं वो निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, और जिसे आप गिन तो सकते हैं लेकिन निश्चित नहीं है तो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो इसी प्रकार तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसे अपन तोल सकते हैं, जिसे तोल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे 5 किलो आटा, अब आटे को आप गिन नहीं सकते, इसका पता कैसे चलेगा? तोलने से चलेगा, तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार जैसे 3 बीघा जमीन, इसे कैसे पता चलेगा? नापने से चलेगा। 2 मीटर कपड़ा, इसे कैसे पता चलेगा? नापने से चलेगा। तो जिसे आप नाप सकते हो और तोल सकते हो वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। और जिसे आप गिन सकते हो वो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण में। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। जैसे आपने कहा 5 किलो आटा, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। और आप कहोगे थोड़ा सा आटा, तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर देखिए चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसे सार्वनामिक विशेषण देखिए। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल रूप से वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, लेकिन वो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तक की, तो कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक है। तो यहाँ पर ये क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जब भी कोई सर्वनाम आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा इस गेंद को मत फेंको,
इस गेंद को मत फेंको। तो इस गेंद, गेंद क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले शब्द क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है इससे। तो वह यानी मूल रूप से वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, लेकिन किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सार्वनाम की विशेषण कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये पूरा वर्क मैंने आपको भेज दिया है, तो उसे आप पूरे को लिखेंगे और विशेषण याद करेंगे। थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे क्रिया।